बेटिया, बड़ा नाम है साधु। बेटियां सबके नसीबों में नहीं है। अमीर जो होता ना हृदय का, उसके नसीब में बिटिया होती है। रक्षाबंधन आती है ना, भाई कितना भी दूर हो, बिटियां जब जा नहीं पाती ना, तो तुरंत वो जल्दी से कुछ बनाएंगी, पकवान राखी पैक करेंगी। कोई पड़ोस का जा रहा होगा, अंकल अंकल आप जाना, ये हमारे भाई को दे दे। सोनी कलाई रहेगी। रात को पिता हारा थका आवे, कई बार हमने अजमाया है, बेटा नहीं उठता है। आगे तो आ जाने दो, दरवाजा तक नहीं खोलता है। पर कभी तुम अनुभव करना, यहां पर जितने भी पुरुष बैठे हैं तुम अनुभव करना, बेटा नहीं उठेगा पर बेटी तुरंत चहचहाती हुई कि बाहर खेल होगी, पापा भोजन करेंगे, पापा भूखे तो नहीं हो, पापा खाना खाया, पापा मैं बना दूं। एक घड़ी बेटी की मां नहीं उठेगी आलस के कारण, लेकिन बिटिया तुरंत कहेगी पापा मैं बना दूं। ये जज्बा सिर्फ हमारी भारत की बेटियों में है, ये भारत की बेटियों में है। बेटियों को, बेटियां जिनके घर पे होती हैं, ऐसे लोग जो श्राप मानते हैं ना, मेरी प्रार्थना है बेटियां श्राप नहीं, ईश्वर का वरदान है। बेटियां श्राप नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान। तुम्हारे घर में जितनी बेटियां हो, समझना ईश्वर ने तुम्हें उतना वरदान दिया है। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां अपना भाग खुद लेकर के पैदा होती हैं। पुत्र के भाग को तो कई बार बाण ही पुत्र पिता के धर्म शास्त्रोक्त नीति से समझा रहे। कई बार पुत्र का भाग तो पिता के धर्म से बढ़ता, लेकिन बेटियां खुद भाग लेकर के पैदा होती हैं। इस पे हम प्रार्थना करेंगे। अशोक नगर की इस कथा ने ये इतिहास बनाया है मेरे साधुओं कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। हमारे अनुभव में कई बार आकलन आता है, वार्ता आती है कई बार, अनेक बार जब बिटियों की शादी हो भी जाती है, वो ससुराल भी पहुंच जाती, लेकिन जीवन पर्यंत तक चिंता बेटियों को अपने मां बाप की रहती है। हमने अपनी मां को बहुत नजदीक से आकलन करते हैं हम अपनी माँ को। जब तक माता जी के, हमारी माँ के जो माता पिता थे उनका शरीर रहा, तब तक हमारी माँ का वो हमने ममत्व तो देखा। शायद हम किसी को ये बोल रहे थे, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, किसी कोई भी व्यक्ति इस बात को कंट्रोवर्सी में मत लेना। मेरे साधुओं, काश भारत में बेटियों को मां बाप की सेवा करने का अगर हक होता तो आज भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। काश मां बाप की सेवा करने का अधिकार अगर बेटियों को होता बेटों की बजाय, तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, बेटों के अधिकार में है, ठीक है, फिर भी बिटियां, आज भी अनेक ऐसी बेटियां हैं, पुत्र निकम्मा हो जाता, पुत्र त्याग देता, बेटियां अब खूब दूर हो जाएं, बहुत दूर हो जाएं, पर बिटियां हमारी हमेशा माता पिता के नजदीक रहती। कोई ऐसा पिता होगा भारत का या संसार का जिसकी बिटिया का विवाह हो उसका दिल ना टूटे? तुम कभी विचार करना, हम तो कई बार आकलन करते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से आकलन करते, विचार करते कि
उस बेटी पर क्या गुजरती होगी जिस घर में वो बड़ी भई, पली बड़ी, खेली, चहचहाई, कूदी, जिसने एक एक कोने को सजाया, जिसने एक एक कोने में अपनी यादें जोड़ी, वो एक क्षण में उस घर को पराया कर देती है। किसना कितना बड़ा हृदय नहीं होता है, बेटियां कितने बड़े दिल की नहीं होती हैं। आज की यात्रा में हमें याद आया, जब आप सबको देखा ना, ये वाहरी अशोक नगर की बेटियों, सच बताएं तुम सम्मान के योग हो। सच में कोई कुछ कहे मुझे खबर नहीं, देखो साधु बुरा मत मानना, कोई कुछ बोले भी यजमान तो ठीक है, अपनी जगह है, उन्होंने तो कथा करवाई है तो बात अलग है, पर सच बोले इस मंच पर आरती करवाने की और धन्यवाद की पात्र तुम हो। तुमने सनातन के लिए एक नई दिशा खोल दी है। तुम्हें सुनकर के आश्चर्य लगेगा मेरी बहनों, जैसे ही हमने आपका वो वीडियो हमें दिखाया ना, हमारे केशव जी ने, कि आप लोग थाली 3 लाख लोगों को प्रसाद पवा करके थाली को धुलकर रख रही हो, सीताराम जय श्री राम, वो वीडियो जैसे ही हमने देखा ना, हमारे अंदर एक कौतुक कर गया। क्या कौतुक? कि अब सनातन को नई दिशा देने के लिए भारत की बेटियां आगे आ रही हैं। सच बोले मेरी बहनों, तुमने मुझे खरीद लिया। आज की कथा को तो मतलब आज की कथा का तो मन ही नहीं है कि कथा करे, तुमने खरीद लिया बेटियों, मेरी बहनों खरीद लिया। क्या नई दिशा तुमने शुरू कर दी, कि क्या केवल बेटे ही सनातनी हो सकते हैं, बेटियां नहीं? क्या अद्भुत बात आपने शुरू कर दी है। बेटी जिसके घर पर होती है, याद रखना मेरे भारत के लोगों, बागेश्वर धाम की पीठ पर सुनने वाले लोगों, बेटी जिस घर पर होती है उस घर पर ईश्वर की कृपा होती है। हमने बताया ना, एक जगह कहीं समारोह था, उसमें सब लोग एक दूसरे पर बेटा बेटी की चर्चा कर रहे थे, तो एक सज्जन अमीर आदमी कह रहे थे, बेटे मित्र तुम्हारे घर पर तो भगवान ने बिटियां ही बिटियां दी है, हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, पुत्र हैं, दो बेटे हैं। वहां पर वो मित्र तो कुछ नहीं बोला, उसे लगा शायद ऐसा हो, भगवान की अकृपा हो मुझ पर, शायद भगवान का श्राप हो, मैं क्या बोलूं, शायद ऐसा हो। पर पता है तब तक छोटी सी उसी की बेटी खड़ी हुई थी, बेटी तुतलाती भाषा में बोली, अंकल अंकल माफ करना, अंकल बेटियां सबके घर पर नहीं होती हैं, भिखारियों के घर पर बेटियां पैदा नहीं होती, बड़े दिल वाले के घर पर बेटियां पैदा होती हैं। उस व्यक्ति का मुंह उतर गया, उस व्यक्ति का मुंह उतर गया, और जैसे ही वो उतरा तो उस बेटी को प्रणाम करके नीचे उतरा मंच से। हमारी भारत की शान, जब बेटियां वीरता पर आती हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। हमारी भारत की स्त्री कभी मां रूप छलकता है, कभी बिटिया का रूप छलकता है, कभी स्नेह का रूप छलकता है, एक बेटियों में अनेक रूप भरे पड़े हैं, इसलिए इन्हें दुर्गा कहा जाता है। जितनी भी बहनें यहां आज बैठी, आज की कथा का फल ईश्वर करे तुम सबको मिल जाए।